जी अस्सलाम वालेकुम तमाम पीएमई के देखने वालों, सुनने वालों को और हमारे तमाम मेंबर्स को, मॉडरेटर्स, एडमिन को, नजीब फारूकी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चाय विद नजीब, ये 2 महीने के बाद गैर हाजिरी जो है वो हमारी हो गई थी और इसके पीछे कुछ मेरी मसरूफियात थी, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत और इतने पैगामात भेजे मुझे और इतने लोगों ने जो है वो रिक्वेस्ट की है कि कभी कभी महसूस होता है कि इतना सारा प्यार जो है वो मिलना खुदा की तरफ से दी हुई एक समझ नेमत होती है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, ये प्रोग्राम आपने इतना मशहूर हिट कर दिया है कि अब यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं हमारे साथ, हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे बात करवाते हैं और आपसे उनको जो है वो हम उनका टैलेंट, उनका फन जो है उनसे मुतारिफ कराते हैं। हमारे पास साथ कुछ नए नए आर्टिस्ट भी होते हैं और कुछ हमारे साथ जो है वो बड़े नाम होते हैं, तो इसी में जो है हमारा प्रोग्राम चलता है। और चाय विद नजीब जो है ये जो आप देख रहे हैं चाय, ये एक तरह से एक समझ लें कि पीएमई का और इस वक्त शोबिज़ का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बन गया है, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी लोग जो है वो रिक्वेस्ट की उन्होंने मेरी गैर हाजिरी में, मेरे लिए दुआएं की उन्होंने, मेरी सेहतियाबी की, हालांकि मुझे कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी जो है अल्लाह का शुक्र है सेहत की तरफ से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कुछ मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे सका, उसके लिए मैं माजत खाऊँ। हम आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और आज का प्रोग्राम हमारा बड़ा खास है, खास इसलिए कि हमारे साथ मेहमान वो हैं जिनको आप बहुत प्यार करते हैं और जिनका जो है वो आपने समझ लें कि टैलेंट, उनका फन आपने जो है वो कराची स्टेज से देखते आए हैं और बहुत बड़ा नाम है हमारी स्टेज और सिंगिंग इंडस्ट्री का, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ा सा भी बिजली चली गई थी, लाइट का कराची में प्रॉब्लम है, लेकिन अब दोबारा से लाइट आ गई है, तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथ मौजूद हों, तो हम दावत देते हैं जनाब हमारे और सबके प्यारे, कौन नहीं जानता, मसरूर हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नजीब, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, कैसे हैं मसरूर भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह से आपका शो बहुत अच्छा होता है शुक्रिया। और हम एंजॉय करते हैं, और आपने हमें बुलाया चाय पर। चाय पे मैंने बुलाया क्योंकि दूरी काफी है तो इसलिए चाय हम साथ नहीं पी सकते, लेकिन चाय जो है वो अगर हम दिखा भी दें तो काफी है। तो पहले तो ये बताएं कि आप कराची में जो है मौसम कैसा है, और अभी लाइट भी गई हुई थी तो मौसम लगा कि नहीं? गरम है, अच्छा गरम गरम, है, है, बारिश नहीं हो रही, उसकी वजह अच्छा से लाइटों का भी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, अच्छा लेकिन आपने कहा था और हमने किसी तरह। बहुत मेहरबानी अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जी। कल खालिद ने मुझसे कहा और रिक्वेस्ट की कि यार आना है, तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर कहा कि कुछ यार कुछ साथ सपोर्ट म्यूजिक भी हो जाए, तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनको फोन किया और वो राजी हो गए। मेरा जी, नाम है किश्वर अलादत्ता, ओ सब जानते वाह हैं किश्वर जबरदस्त। अलादत्ता साथ हैं, और सलाम, वालेकुम सलाम किश्वर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप इमरान सुनाइए, अली, अच्छा बहुत इमरान अच्छे अली गीत साथ हैं। सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? गाते हैं आप। इमरान रफीक, इमरान थोड़ा सा रफीक, आप स्टूडियो में आ गए हैं, अच्छा थोड़ा सा माशाल्लाह, आपको अच्छा करके कुछ सुना दें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं थोड़ा सा सेटिंग आपकी जो है वो सही आ रही है, थोड़ी सी आवाज आपकी जो है हल्की आ रही है, और जो सुनने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो सुन रहे हैं तो हमें प्लीज फीडबैक दें कि आवाज और तस्वीर कैसी आ रही है, ताकि हम उसको थोड़ा सा सही कर सकें और आप तक जो है आवाज और तस्वीर सही तरह से पहुंचा सकें। तो मसरूर भाई आपने जो है वो पहले भी एक प्रोग्राम में, हमारा पीएमई का जो पहला प्रोग्राम हुआ था गेट पर्सनल विद खालिद, उसमें आए थे मेरे ख्याल में आप, करेक्ट? जी, तो आपको जो है वो पहला प्रोग्राम था, हमारे पहले गेस्ट थे वो, और उस वक्त पीएमई जो है वो अपने समझने के इब्तदाई मरहले में था और उस जी वक्त काफी हमारे मेंबर्स नहीं थे, लेकिन अब माशाल्लाह से एक तरह से हजूम इकट्ठा हो गया है और जो है वो काफी लोग आपको रिक्वेस्ट आई थी, तो हम साथ साथ लोगों के कमेंट्स भी लेंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे। तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम मैं आप पे छोड़ता हूँ कि मसरूर भाई प्रोग्राम कैसे शुरू करें, एक फॉर्मल इंटरव्यू आपकी जिंदगी के मुताल्लिक, आपके कैरियर के मुताल्लिक, या आप सिर्फ गाना गाना चाहेंगे और लोगों को एंटरटेन करेंगे? भाई बातें भी करेंगे, एंटरटेन भी करेंगे और कुछ सुनाएंगे भी, अगर हाँ जी, लोगों की कोई फरमाइश होगी वो भी सुनाएंगे, हाँ
इतना टाइम उसके अंदर कोई अच्छा शो पेश कर सकें हम। ठीक है। अच्छा हमारे साथ यूसुफ बेग भाई हैं, हमारे एडमिन भी हैं, ये कह रहे हैं कि साउंड लिटिल लो फ्रॉम मसरूर भाई, आपकी आवाज हल्की आ रही है, मेरी आवाज सही आ रही है, थोड़ा सा लाउड होके या किसी तरह से कुछ एडजस्ट कर लें। लेकिन अब आ रही आवाज आपको? अच्छा, वैसी आ रही है, कोई इम्प्रूव नहीं हुई। असल में वो मोबाइल दूर रखा हुआ है। एक अच्छा मिनट, हम आगे हो जाते हैं। ये स्पीकर है ना ये। अब देखें, ठीक जी आप बेहतर है, आप बिल्कुल बेहतर है। आ रही अच्छा आवाज आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यूसुफ भाई कह रहे हैं कि वाह किशोर भाई, किशोर भाई हमारे साथ हैं, जबरदस्त। देखें आप लोगों को माशाल्लाह कितने लोग जानते हैं, मोहब्बत करते हैं किशोर भाई। जी थैंक यू। अच्छा किशोर भाई, मैं देखिए अपनी नालायकी या ना अहली समझूंगा, मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक का जो है वो क्या नाम है, जावेद अलादित्ता फैमिली से है? जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, अच्छा, माच तो आप आपका रिलेशन क्या है उनसे? मेरे बड़े भाई हैं। माशाल्लाह, देखें इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए, और हमारी जो है वो इतनी खुशकिस्मती है किशोर अलादित्ता भाई और मसरूर भाई। मेरी मेरी मोहब्बत में आए हैं, ये टाइम नहीं देते, बहुत बिजी आदमी है। नहीं, जबरदस्त। मसरूर से हमारा ताल्लुक बचपन का है, अच्छा, और समझे हमने म्यूजिक एक साथ एक शुरू साथ किया शुरू है। किया है, जबरदस्त। मैंने सीखा इन लोगों से। बेसिकली मैं जब बाथरूम सिंगर था, उसके बाद हमारा कलकत्ता किशोर, शहजाद भाई, जावेद भाई, अख्तर भाई, इनके साथ बैठता था, उनके साथ सीखना, कॉर्ड्स का पता करना क्या सुर है, तो बहुत कुछ मैंने इस फैमिली से सीखा है। और मैंने मसरूर की एक बड़ी हिट एल्बम प्रोड्यूस की थी कल और आज आज कल और आज के नाम से, तो बिल्कुल। भाई के बड़े जबरदस्त हिट गए थे गाने वो, तो आई होप आपने शायद सुने हो। बिल्कुल सुने, बिल्कुल कुछ सुने। मैं, पुराने गाने, कुछ हाँ पुराने गानों को रिमिक्स किया था। मैं कल कहीं जगह बैठा हुआ था, तो मैंने मसरूर भाई का गाना यूट्यूब के जरिए, मैंने टीवी पे चलाया, तो वो इतना ज्यादा म्यूजिक नहीं सुनते, तो वो बड़े देर देखते रहे, फिर कहने लगे यार ये कौन गुलकार है? मैंने कहा मसरूर भाई हैं हमारे, बड़े अच्छे कराची स्टेज पे। तो कह लेंगे यार इतनी अच्छी आवाज इनकी यार, जबरदस्त, बिल्कुल मर्दानगी जिसे कहते हैं ना, भारी आवाज, कह रहे हैं बहुत खूबसूरत। बहुत तो बहुत 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 शुक्रिया। माशाल्लाह से यार मैं खुद आपसे बड़ा इंप्रेस हूँ, और मसरूर भाई, और मुझे सिर्फ ये और बताइए कि आपने। जी एक बात ऐड करूंगा, मसरूर की आवाज सुन के ना ऐसा लगता है आप 60s और 70s में चले गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं नहीं लेकिन इनकी आवाज जो है, मैं आपको अभी बताऊं कि 60-70s की तो आवाज डेफिनेटली इनके एक एरा है, लेकिन इनकी आवाज आज भी इतनी जवान है, और माशाल्लाह के सुने तो इतना मजा आता है कि वाकई इंसान उसमें गुम हो जाता है। तो जैसे भी ये गाना था, इसमें बनी भाई की कंपोजिशन थी, बहुत खूबसूरत, और इन्होंने जी उसका पूरा पूरा जो है वो हक अदा किया है, बड़ा इंसाफ किया उस गाने के साथ, और बड़ा मेलोडियस सॉन्ग है। तो इस गाने की थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे, क्या क्या थी इस गाने की हिस्ट्री? हिस्ट्री ये थी कि भाई हमने सोनिक का प्रोजेक्ट करना था और मेरी एल्बम थी, जी तो जी मैंने बनी बनी भाई को कहा कि बनी भाई आपने कंपोज करना है। तो मैं और बनी हम लोग बैठते थे, बनी गिटार लेके, तो बनी की धुन है, और आपको पता है बनी का एक स्टाइल है, बिल्कुल। माइनर के कॉर्ड्स वो रखता है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और आसान भी था, क्योंकि बेसिकली मैं पहले से गा रहा था और बजमी साहब भी ज्वाइन किया हुआ था मैंने, तो मुझे तो बहुत मजा आया उनके साथ। और बनी बहुत खुश हुए, कहने यार कोई सिंगर है जिसने मेरे साथ, मेरे सॉन्ग के साथ इंसाफ किया। वाह जबरदस्त। लेकिन इसके अंदर बनी ने ये कहा था कि जितने सिंगरों ने मेरे गाने गाए, उन्होंने मुझे कॉपी किया, अच्छा। ऐसे उसकी टोन बना ली। अली अदर का गाना था, चाहत तेरी मुझे चाहिए, वो बनी स्टाइल आ रहा था, सही। शेकी ने गाया, बादल गिर गिर आए, मैंने गाया, लेकिन मैंने अपने टोन में अपने स्टाइल में गाया। तो आप कह सकते हैं कि कंपोजिशन बनी की है, गाया मसरूर ने, बिल्कुल एक बिल्कुल अपना बनाना चाहिए इसके अंदर। बिल्कुल। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई भी गाना गाऊं, चाहे रुशदी का गाऊं, मेहदी साहब का गाऊं, किशोर का गाऊं, मसरूर का एक टोन आना चाहिए, मसरूर का एक स्टाइल आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपका टोन जो है ना, वो आपको डिफरेंट करता है दूसरे सिंगर से, क्योंकि जब ये गाना आपने बनी भाई का गाया, मैंने सुना, तो इसमें जैसे आपने कहा कि माइनर के नोट्स थे, समझ तो गए थे जो समझने वाले हैं कि यार बनी भाई की कंपोजिशन है, लेकिन आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल एक तरह से डिफरेंट थी, मतलब उस लिहाज से, उनके गानों के लिहाज से, जैसे आपने मैंने कहा। डिफरेंट रखी थी, मैंने अपना टोन रखा, बनी का सुना कंपोजिशन, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया। और अच्छा बनी ने कहा यही बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहा, अपने स्टाइल में गा रहा हूं। जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा यहाँ पे जो है वो मैं थोड़े कमेंट्स लूंगा। यहाँ पे मुहिद्दीन
एदिनी कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि ईश्वर भाई जो है वो कोई स्पेनिश गिटार हमें सुनाए। बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। भाई किशोर भाई को पकड़ के लाए हैं हम बड़ी मोहब्बत के साथ। सही। और यूसुफ भाई कह रहे हैं कि हमने जो है वो इस प्रोग्राम को देखने के लिए इरशाद अल्लाह दत्ता को भी हमने इनवाइट कर दिया है। अच्छा इशरत 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 बड़े भाई मिल गए। इशरत भाई सलाम वालेकुम। अच्छा अभी आए नहीं इशरत भाई, जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। तो आज आप जो है वो प्रोग्राम किस से शुरू कर रहे हैं, कौन से गाने से? यार, एक पाकिस्तानी सॉन्ग, वो आपने देखा भी है वीडियो, अभी मैंने जी चलाया था फेसबुक पे, मैनास के साथ जो ड्यूट गाया था हमने, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा सी एक अस्थाई एक अंतरा मैं आपको सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाह शुरू करें ईश्वर भाई का बिस्मिल्लाह। गिटार भी आपको सुनाई देगा, जबरदस्त, हम तो इमरान इंतजार हुसैन कर जी रहे का हैं। कीबोर्ड भी सुनाई देगा। ठीक है बॉस, बिल्कुल बॉस स्टार्ट। तो अगर गलती हो जाए भाई हमसे, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद गा रहे हैं और एक साथ कोई बात नहीं, हम ज्वाइन किए एक दूसरे को, और हमने कोई कोई रिहर्सल नहीं की थी, ये रिहर्सल नहीं सिर्फ है, कुछ नहीं लाइव है, है। सारा लाइव है। देखिए मैं आपको बताऊं, इंसान गलती का पुतला है, और माशाल्लाह 3 दिन पुतलियां बैठी हुई हैं, तो कोई मसला नहीं है सर। नहीं, ये माशाल्लाह सारे जिन लोग हैं, नहीं मुझसे गलती हो सकती है, इनसे नहीं होगी। नहीं इंशाल्लाह आपसे भी नहीं होगी मसरूर भाई, आपका जो है इंकिसारी है। और मैं खालिद भाई से कहता हूँ, कभी खालिद भाई से बात करते ना तो मैं कहता हूँ आप कसमा पुरसी से काम ले रहे हैं, कसम। कसम। चले बिस्मिल्लाह। तू प्यासे दिल एक हुए है ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। तू प्यासे दिल एक हुए है ऐसे, बिछड़ेंगे यकीन करें कि इस गाने को मैंने जो है वो काफी दफा सुना है, और बहुत कॉमन सा गाना है, हर महफिल में सुना जाता है, लेकिन जितनी खूबसूरती से मसरूर भाई ने गाया, और खास तौर पे जितनी खूबसूरती से जो है वो बजाया गया है, मैं यकीन करें। थैंक ग्रेडेड बाय किशोर अल्लाह दत्ता यू एंड थैंक इमरान। यू। आई होप आवाज आपको सही आ रही है।
बिल्कुल सही आ रही आवाज। आवाज और जो है वो हो गए। जी, इसके अलावा जो है वो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त जुड़ गए हैं माशाल्लाह से, काफी लोग आपको देख रहे हैं। थैंक यू। थैंक यूसुफ भाई कह रहे हैं क्या आवाज है, खूबसूरत आवाज, अमेजिंग लेजेंड्स प्लेइंग हियर, वाओ। मुहिद्दीन कह रहे हैं कि ट्रू म्यूजिशियंस और सच अ ब्यूटीफुल, और सब आपको जो है वो मतलब फेस बना के दे रहे हैं खूबसूरत वाले। जुनेद जहांगीर हमारे साथ, जुनेद जहांगीर जो है वो, जुनेद भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं। जुनेद भाई जो है वो बड़े अच्छे सिंगर हैं, और सावल एक बैंड था उसके जो थे वो। जी, सावल जुनैद, क्या हाल है भाई? जुनेद भाई जो है वो माशाल्लाह। आपकी सुन रहे हैं आवाज, और जुनेद भाई मेरे प्रोग्राम में इस महीने के एंड में इंशाल्लाह आएंगे, जुनेद जहांगीर। बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत मेलो सिंगर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जुनेद भाई कह रहे हैं क्या बात है मसरूर भाई, जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू। तो मसरूर भाई इतना खूबसूरत आपने गाया है माशाल्लाह, इतनी प्यारी आवाज है आपकी, मैं तो यकीन करें गुम हो गया था। और इतना मेलोडियस सॉन्ग है ये रोबिन घोष साहब का, तो आपको जो है वो जब ऐसा गाना गाते हैं तो आप उसमें गुम हो जाते हैं, तो कैसे आपने इतना फन, और जो आपने सीखा कहाँ से सीखा आपने, किससे सीखा, कुछ बताएंगे जरा। अपना नजीब बेसिकली बाथरूम सिंगर था मैं, और बाथरूम में गाता था। लोगों अच्छा ने दोस्तों ने सिर्फ आप लोगों ने दोस्तों ने कहा कि यार आवाज अच्छी है, इसको यूटिलाइज करो, बाहर आओ। फिर मैं बाहर आया, और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि जो मुझे अच्छे लोग मिले, जिसमें माशा अल्लाह दत्ता फैमिली हुई, अख्तर कयूम हुए, आरिफ हुआ, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने शुरू किया, और उन्होंने मुझे सीधा किया कि सुर क्या है, लय क्या है। और मैंने इन लोगों से बहुत सीखा, और फिर उसके बाद फिर कैसेट कंपनी, एक गाना, दो गाना, एल्बम। मतलब एक सिंगर की ख्वाहिश होती है कि वो सिल्वर स्क्रीन गाए, और वो भी मैंने मैनाज बाजी के साथ आखिरी गाना गाया एक फिल्म का, उसका नाम था सऊद और रीमा की। अच्छा हाँ, उसमें अच्छा गाना गाया, जबरदस्त। और सब कुछ कर लिया, मतलब जो म्यूजिक में करना चाहिए। और अब ये है कि थोड़ा सा पीछे हट गया, जब गाना समझ में आया कि गाना है क्या, तो अब डर लगता है भाई गाते हुए। पहले तो बेधड़क गा देते थे हम। अच्छा मोहिनुद्दीन आदमी जो है, आदमी जो है वो कह रहे हैं कि आपकी आवाज परफेक्ट है फिल्म के लिए, और जो है आपको फिल्मों के लिए गाना चाहिए, और मैं इसको सेकंड करूंगा कि आपकी आवाज वाकई जो है वो फिल्मों वाली है, मतलब एक तरह से जो फिल्मों में आप हाँ, सुनते थे सबने पाकिस्तान यही में। कहा कि तुम्हारी एक बड़ी आवाज है, प्लेबैक है, और मैंने प्लेबैक बहुत कुछ गाया है। आपने जियो पे एक मिस्टर जीम का सॉन्ग सुना होगा, कितना बदल गया इंसान, जी मेरा गाया अच्छा हुआ। अच्छा और मैंने बहुत सारे टीवी के लिए काम किए, और कर रहा हूँ अभी भी, कोई अगर चीज होती है तो मैं उसको करता हूँ। मेरे ख्याल से हम टाइम ज्यादा जाया ना करें, कुछ गाने कर लें, क्योंकि टाइम आपका कम है। ठीक है ठीक है, नहीं कोई एक ऐसा मसला बिल्कुल नहीं, मैं थोड़े से दो तीन कमेंट ले लूँ। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हमारे जो लोग हैं बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इन्हीं से हमारी जो है वो दुनिया चलती है आपको पता है। बिल्कुल तो बिल्कुल यूसुफ भाई कह रहे हैं कि यार पहले तो इक्वन भाई ने आपको बोल दिया फिल्म का कि फिल्म में गाएं, उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा परफेक्ट वॉइस फॉर मूवीज, फिर उसके बाद यूसुफ भाई कह रहे हैं यू शुड सिंग फॉर मूवीज, सैयद अली इक्वन कह रहे हैं सलाम, किशोर भाई आपको सलाम कह रहे हैं। बड़े बड़े लोग बैठे हैं भाई जो सुन रहे हैं हमें। जी, सैयद अली इकबाल, और कह रहे हैं गुड टू सी यू टुगेदर। और यूसुफ भाई ने एक सवाल पूछा, इसका जवाब देके बस जल्दी से हम गाने की तरफ चलेंगे। वो कह रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है बनी भाई की म्यूजिक के बारे में, आपकी क्या राय है। बनी भाई का एक अपना म्यूजिक है, और अच्छा म्यूजिक है, बहुत मीठा म्यूजिक है। और बनी भाई की आप जितनी कंपोजिशन उठाएं सुने, आपको नजर आएगा ये बनी है। सही है एक बहुत अच्छी बात यह कि उसकी कंपोजिशन में बनी नजर आता है, सही चाहे है कोई सिंगर का है। सही है अच्छा और मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको शफा दे, सेहत दे, बिल्कुल वो एक बिल्कुल बीमारी से गुजर रहे हैं, जी और मैं उनसे मिला था। अब उनकी आवाज साथ नहीं देती गाने के लिए, तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा दोस्त है, नो डाउट नो डाउट, बहुत मेरा खूबसूरत तो बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल खूबसूरत आवाज। बहुत खूबसूरत और अच्छे इंसान है, दिल की भी अच्छी है माशाल्लाह, और जो है वैसे भी बहुत अच्छी आवाज है इनकी। और इसके साथ ही हम जो है आपसे पूछेंगे दूसरा कोई गाना आप क्या सुनाना चाह रहे हैं इस वक्त अपने सुनने वालों को। हाँ नजीब, एक किश्वर बैठे हैं यहाँ पर, किश्वर ने एक एल्बम की थी कल और आज, अच्छा उसमें हमने कुछ पुराने गाने उठाए थे वाह और वाह उनको रीडू किया था किश्वर ने, बहुत अच्छा। तो वो बिल्कुल मेरे ख्याल से अमेरिका में भी है लोगों के पास, कल और आज के नाम से। उसका एक अच्छा गीत हेमंत कुमार का मैं सुना रहा हूँ, ठीक है
बिल्कुल रिकॉल हो जाएगा दोबारा। बिल्कुल 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 सुना दे, बिल्कुल सुना। ये रात ही चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, सुन जा दिल जबरदस्त, बेहतरीन। क्या है यार, जबरदस्त माशाल्लाह। मुझे लग रहा था जैसे मैं ओरिजिनल गाना सुन रहा हूँ, और म्यूजिक के हवाले से भी और सिंगिंग के हवाले से भी माशाल्लाह। इतनी खूबसूरत आवाज और इतनी खूबसूरत म्यूजिक। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि मेरे प्रोग्राम में आप किशोर अल्लाह दत्ता भाई को दोबारा लेकर आइएगा। इनसे हम जो है वो अपना सोलो सुनेंगे और इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं और इनका बहुत जो है वो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पाकिस्तानी म्यूजिक। तो पहले तो जो है इनको सल्यूट है इनकी पूरी फैमिली को कि इतना अच्छा म्यूजिक देने पे, और हमारे पाकिस्तानियों को वाकई इन पे फख्र है। बेशक बेशक, बहुत से आर्टिस्ट बनाए हैं इन्होंने और बहुत से आर्टिस्ट इनके प्लेटफॉर्म से आगे गए हैं। अच्छा, यहाँ पे जावेद है, मोहम्मद अली शेखी है, आलमगीर है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे नवीद हसन भाई कह रहे हैं मसरूर भाई ऑलवेज बेस्ट, और आपको जो है वो उसके अलावा वी नीड अल्लाह दित्ता फैमिली टू कंपोज म्यूजिक फॉर मूवीज। लोग कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे, तो मुझे ये बताइए कि क्या नाम है, फिल्मों के लिए क्या बात म्यूजिक नहीं दे रहे आजकल ये लोग? अल्लाह दित्ता फैमिली हो कर रही है यहाँ पर, फिल्में हो ही नहीं रही। फिल्में जो बन रही है भी पाकिस्तान में काफी फिल्में बन रही है। म्यूजिक इंडिया से बन के आता है, यहाँ सिंगरों से गवा देते हैं या वहां के सिंगर से गवा लेते हैं। अच्छा, चक्कर ऐसा चल गया है, फिल्मी जो है म्यूजिक वो इंडियन ज्यादा हावी हुआ हुआ है, तो उस पैटर्न पे हो रहा है। और वो ज्यादातर यहीं से आवाज भेजते हैं, वहां से म्यूजिक डब करते हैं, गाना लेते हैं। अच्छा मसूर भाई, एक टेक्निकल सवाल करूंगा, उसके बाद में फिर एक गाने की तरफ जाएंगे। मैंने ये सवाल हर एक से किया है और आपसे भी करूंगा। हमारे साथ इतने टैलेंटेड लोग हैं आप जैसे, क्या वजह है कि आप लोगों को कोक स्टूडियो में जो है वो बुलाया नहीं जाता? कोक स्टूडियो भाई वो एक एक चक्कर है, वो आप समझते हैं। उस चक्कर में जितने लोग हैं वही हैं। सही है, बस हम जैसे लोगों को घुसने नहीं देते और बुलाते भी नहीं और हम जाते भी नहीं। बात ये कि आप बताएं कि कोक स्टूडियो से क्या चीज निकल के सामने आई अब तक? मुझे तो कोई ऐसे क्रिएटिविटी नया सिंगर आया, कोई नया टैलेंट नहीं आया और कुछ भी नहीं आता। वो एक फ्लेवर है, वो एक चक्कर है, जो आप जिसे सिंपल बर्गर लॉबी कह लें, सही है, पुल के उस पार, पुल के उस पार वाले लोग भाई अगर बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन हमें बुलाते नहीं। वही एक भेड़ चाल है, उसके अंदर सब चलते हैं। अच्छा, जुनेद जहांगीर भाई ने एक बड़ा जबरदस्त कमेंट किया, आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, उन्होंने कहा मसरूर भाई की आवाज में जादू है। अरे थैंक यू यार जुनेद, थैंक यू, बस जादू है बस। और एजाज हसन भाई जो है हमें साउंड वाले वो भी देख रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, बॉस साउंड, इजाज, बॉस साउंड वाले वो हमें देख रहे हैं। सलाम अलैकुम इजाज भाई। अच्छा, इन्होंने इन्होंने बड़ी अजीब सी बात की, उन्होंने कहा कि वांट टू सी पीपल लाइव इन कराची।
यानी कि लाइव आप लोगों के जो कॉन्सर्ट वगैरह हो, उस तरह की परफॉर्मेंसेज हो, तो क्या परफॉर्मेंसेज नहीं कर रहे आप आजकल कराची में? यार मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कराची में जो शोज हो रहे हैं वो उस लेवल के नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि शादी ब्याह के शो मैं करता नहीं हूँ, अच्छा मेहंदी वेहंदी टाइप के। हाँ अगर कोई अच्छी सुनने वाली गैदरिंग है तो वहां फिर मैं करता हूँ, और बहुत कम। बेसिकली मैं बताऊं नजीब, मैंने सिंगिंग को छोड़ दिया था काफी अरसे से। मैं अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहा हूँ ना, अच्छा, तो मैं लाइव इवेंट्स वगैरह कर रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनीज के, तो मेरे पास टाइम नहीं होता। ज़ाहिर है पूरा एक इवेंट कर रहा हूँ तो मैं कब गाऊँ और क्यों गाऊँ, जहाँ इतने अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। तो मैंने जरा अपने आप को कम कर दिया था, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह, लोगों की मोहब्बत है और लोग कह रहे हैं कि आप वापस आए, तो इंशाल्लाह एक कुछ नया गाना करके हम सामने आएंगे। इंशाल्लाह वीडियो भी आपको भेजेंगे। इमरान के साथ, किशोर के साथ कुछ काम कर रहे हैं हम लोग। अब मैं उसी टाइप का काम करूंगा जो लोग डिमांड करते हैं मुझसे, अच्छा सही है, बिल्कुल। यानी क्वालिटी ठीक है। वर्क पे आप ज्यादा जोर देंगे, बताइए क्वांटिटी मैं पे। ठीक बिल्लो के घर टाइप का गाना नहीं करता। है। मैं मेलोडी गाता हूँ और अच्छा गाने की कोशिश करता हूँ, तो इंशाल्लाह आप कुछ अच्छी चीज पेश करेंगे बहुत जल्द। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, अभी भी हमें जो है वो यूसुफ भाई ने बताया कि इशरत भाई आपको देख रहे हैं, आप लोगों की परफॉर्मेंसेस को, अच्छा कुछ भाई, कहना सलाम वालेकुम। चाहिए? आपकी आवाज आ रही है जी इशरत भाई, देखो किशोर को पकड़ के ले आया हूँ मैं बड़ी आने मुश्किल से। को तो। इमरान, आप यकीन करें नजीब, किशोर जी भी मेरी तरह है अच्छा और ये भी गायब रहते हैं, बहुत अच्छा कम नजर आएंगे आपको। हाँ टीवी अच्छा के प्रोग्राम्स में, रिकॉर्डिंग्स में आपको नजर आएंगे, लेकिन लाइव शोज बहुत कम कर रहे हैं ये, अच्छा और बड़े जी सिलेक्टेड शोज करते हैं ये। जी टीना कानी के साथ हैं, राहत के साथ हैं, अच्छा राहत फतेह अली के साथ, तो ये बड़े जी बिजी होते हैं। इमरान अपने स्टूडियो में और शोज में बिजी होता है, इनका V5 बैंड है जी पाकिस्तान में, और बहुत अच्छे कीबोर्डिस्ट हैं, बहुत काम वाले आदमी। अच्छा, जबरदस्त, बेहतरीन। V5 वही जो पहले एक जमाने में रेहान का था। जी 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 रेहान, आरिफ बिल्कुल, ड्रमर, ये लेगेसी कैरी कर रहे हैं रेहान की। और उसमें असद रेहान असद भी था कीबोर्डिस्ट। असद भी था, कनाडा वो V5 के कई चेहरे चेंज हुए, रेहान था, थोड़ा फिर एंड यही है, खत्म एंड अब इमरान है, खत्म इसके बाद जो है वो खत्म है, ही है डन। तकरीबन। मतलब काफी लोग इसके आप, बाद क्यामत आ जाएगी। नहीं कयामत नहीं है कि कोई नया बैंड आएगा, नए बैंड बहुत हैं। अच्छा, इशरत भाई ने मैसेज दिया है यूसुफ भाई को कि आई एम फाइन, यू फाइन यूसुफ, थैंक। तो इशरत भाई भी हमें देख रहे हैं, इसका मतलब है। और नोमान सिद्दीकी कह रहे हैं मशरूर भाई इज अ ग्रेट। एजाज भाई कह रहे हैं कि कैसे हाल हैं आप दोनों के, कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र बेहतर है। गर्मी है थोड़ी सी कराची में, लेकिन अब अच्छा बारिशों का सीजन शुरू हो जाएगा। एजाज, हम लोग यहाँ बहुत मिस करते हैं तुम्हें यार। एजाज भाई, बस आप किसी तरह टिकट कटा के, आपको टिकट भेजें, आपको किशोर भाई एजाज द्वारा। भाई आपको आमिर मिनकू बहुत मिस कर रहा है, अच्छा वो आपको साउंड सिखाना चाह रहा है थोड़ा सा। ये हम लोगों के मजाक हैं जो चलते रहते हैं, और वो अच्छा फेसबुक पे भी एजाज मुझे बहुत कुछ लिखता है, लेकिन मैं उसको जवाब नहीं देता। ये मोहब्बत है अच्छा हमारी भाइयों की तरह है। हाँ अच्छा मसूर भाई, बातें चलती रहेंगी और बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं, दिल चाह रहा है कि आपसे बातें चलती रहें। कोई लव यू ऑल, एजाज भाई के मैसेज आए। ओके अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब क्या सुना रहे हैं आप? यार, एक मैं चाह रहा हूँ कि एक एक सब सुना दूं वैरायटीज। एक किशोर साहब का गाना सुना दूं अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल इजाजत है, लेकिन वो आपका जो बनी वाला था वो एक दफा सुनाइएगा जरूर मुझे दोबारा। बिल्कुल वो कॉर्ड्स पे सुना दूंगा, बिल्कुल ठीक है? पहले ठीक है, किशोर का हो जाए। ये बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। एक बहुत ही रोमांटिक गीत है और मैं अक्सर लाइव शोज में गाता हूँ, इंशाल्लाह आप लोग को भी पसंद आएगा। जीवन मीठी प्यार
कहती हो पल पल दिल के पास बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जनाब, क्या बेहतरीन आवाज नहीं आ रही आवाज आ रही है। नजीब, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो जी, सुनने वालों को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? हो सकता है मसरूर भाई की तरफ से मसला हो। हेलो जी, हेलो मसरूर भाई, आवाज आ रही है? नाजिन कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हो गई हैं, और अगर हमें लोग सुन रहे हैं तो बताएं। आवाज आ रही मेरी नहीं जी, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? आपकी नहीं आ रही। अच्छा, मेरी नहीं आ रही। अच्छा, होल्ड करें। जी आवाज आ रही है मेरी? हेलो, दोबारा से आए? जी जी दोबारा से आया हूँ, आवाज आई? दोबारा से लॉग इन होते हैं। मैं कहते दोबारा लॉग इन हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आप दोबारा से होकर आए, आप दोबारा से होकर आए? नहीं आ रही आपकी आवाज बिल्कुल। हेलो हेलो, अच्छा मेरी आवाज आ रही है लोगों तक, और किसी तरह जो है वो अच्छा दोनों की आवाज आ रही है, लेकिन मेरी आवाज जो है वो मसरूर भाई को नहीं आ रही, और मैं इशारों की जुबान से बात कर लूं उन लोगों से। आप दोबारा जाके होकर आए? दोबारा से आए, दोबारा से, दोबारा से आप दोबारा से जाए होकर। कभी कभी जो इशारों की जुबान हमें पाकिस्तान में, कराची में खास तौर पे, शुक्र है उस वक्त का जब छत पे खड़ो के हम इशारे करते थे, तो वो हमें जुबान हमने सीख ली, और ये जुबान बड़ी मुश्किल होती है, इसके लिए फ्रेंच, और आप फ्रेंच ज़्यादा मुश्किल होती है, स्पेनिश ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन ये ज़ुबानें ऐसी हैं कि आपको हर कराची में एक पाकिस्तान का लड़का जो है वो मेरे ख्याल में सीख लेता है, तो इसीलिए देखें मैंने कैसे उनको बताया समझ में आ गई। इस पे तो यार आप लोग मुझे वाह वाह कर दें। मसूर भाई का नेट का प्रॉब्लम भी है, और जो है वो इनका मेरे ख्याल में लाइट का भी मसला है, मैं जरा देख लूं कि अभी तक आए नहीं। अच्छा, वॉल्यूम कम होगा मसरूर भाई का। जी 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 अच्छा, आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा है। हमें जिया काजी ने ज्वाइन किया है, हमें पीरजादा अहमद ने ज्वाइन किया है, और जो है वो हमारे पास इस वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग हमें देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में, और खूबसूरत आवाज़ माशाल्लाह मसरूर भाई की। मसरूर भाई और आबदा अल्ताफ जी, आबदा अल्ताफ जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबदा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? काफ़ी मसरूफ हो गई हैं आप, बातचीत नहीं करती आजकल, और जो है वो हाँ मैं भी मसरूफ हूँ, इंशाल्लाह फिर जो है वो आपसे तफसील से बात करेंगे। जिया काजी जो है वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। जिया, अभी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूँगा, और अभी अगर आप जाग रही हैं तो हम आपसे थोड़े डिस्कस करेंगे कुछ और शो के हवाले से।
और इसके अलावा जो है वो, अच्छा जी जी बिल्कुल, साइन लैंग्वेज भी हम सीख गए हैं, ये जो है वो यूसुफ भाई में कह रहे हैं। तो बड़ा एक तरह से अच्छा लगता है जब इतने सारे लोग जुड़ते हैं। मैं काफी अरसे बाद जो है वो यहाँ पर आया हूँ पीएमई में, और अपना प्रोग्राम जो था मेरा चाय विद नजीब मैंने किया है। काफी बिजी था और रमजान की मसरूफियात, उसके अलावा जो है वो दूसरी मसरूफियात रही हैं, और इसी वजह से जो है वो थोड़ा सी लेट हो गया। मैं थोड़ी सी सेटिंग भी कर रहा हूँ, इसलिए लिहाजा अगर आपको कैमरे में मैं आगे पीछे नजर आऊँ तो परेशान नहीं होइएगा। मैं साथ साथ फोन भी देख रहा हूँ। जिया काजी जो है वो कह रही हैं आपका प्रोग्राम तो जबरदस्त है ही होगा भाई, पूछने वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जिया। यूसुफ हंस रहे हैं, हाँ 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 जिया काजी बोल रही हैं, हाँ हम सो के उठे उठ गए हैं। ठीक है, सो के उठ गई हैं ये माशाल्लाह से। और बाकी ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे और दुनिया में क्या कैसा मौसम है, और हमारे साथ इस वक्त देखते हैं जुड़ गए हैं मसरूर भाई, और हम दोबारा कोशिश करते हैं इनको लाने की। जी मसरूर भाई आवाज आ रही है? आ गए भाई आ गए। अच्छा, वो मेरे ख्याल में जब आप गाना गा रहे थे तो उसमें भी आपको एक थोड़ा आवाज बहुत कट कट के आ रही थी, तो आपका नेट का शायद कोई मसला चल रहा है। नेट का मसला होगा या कोई कॉल कर रहा था बीच में, वो हमने बंद कर दी। अच्छा, ठीक है। अच्छा मैं इसके अलावा जो है वो मेरे पास दो तीन फरमाइशें आई थी। अच्छा हाँ, एक तो जो है वो यूसुफ भाई ने बोला है कि यार कोई अपना गाना भी सुना दें, अच्छा और हमारे एक साथी थे उन्होंने कहा था कि वो अलग सुना दें, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। जी, वो ही मैं सुनाने वाला था। जी, बेसिकली ये गाना मैंने गाया था और वो लोगों ने बड़ा पसंद किया था। एक प्रोग्राम चलता था एसटीएन से, एसटीएन से, गजल बिल्कुल गजल जी रंग, सही। और उसमें मैंने गाया था। उसमें सलमान अलवी, मसूद शीरू, अजरा सलामत, बहुत सारे लोग थे, अहमद जाजेब, जी, और वो वीकली होता था कि नंबर 10 से गाना चलता था कि किसका, तो मैं नंबर 1 पे आया था मेरा ये सॉन्ग माशाल्लाह जबरदस्त। 2000। अच्छा ये आपको ये फरमाई जो कि ये नोमी ने की, कह रहे मैं नोमी हूँ, पता नहीं आपको जानते नहीं जानते जी। नोमी भाई फेस पहचान लूंगा मैं, पूरा अच्छा नाम उनका नाम है पूरा, मेरा ख्याल नोमान करके कुछ था, अब तो वो निकल गया मेरे से कमेंट्स, लेकिन एनीवे हम वो गाना सुनेंगे नाजरीन, उस गाने की तरफ बढ़ते हैं जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। जी तेरी रुसवाई से डरता जबरदस्त, बेहतरीन सर, क्लैप फॉर यू, थैंक वेरी गुड वेरी गुड। आप ये गाना गा रहे थे। अच्छा नोमी जो थे वो नोमान सिद्दीकी कह रहे हैं, नोमी फ्रॉम गुलशन अरसलान स्टूडियो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। नोमी नोमी नोमी, जी सलाम अलैकुम, क्या हाल है? अच्छा किशोर, यहाँ पे एजाज भाई ने एक बात बोली है, लेकिन मैं इस बात को क्योंकि एजाज भाई ने बोला है
और हम लोग यहाँ पे इस पेज पे, मैं उसको बात को आगे बढ़ा दूंगा, अजार है मजाक, लेकिन ये कि हम उसको सपोर्ट नहीं करते इस पेज पे, ना हम रिलीजियस डिस्कस करते हैं, ना हम पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मसरूर भाई साथी गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, तो उससे बोले साथी हो जाए, लेकिन हम लोग यहाँ वो पे, साथी कुछ और कह रहे होंगे, साथी हाँ वो मैं समझ गया था, लेकिन उन्होंने पूरा लिख दिया था पहले, मैंने पूरा नहीं अपना लिखा। साथी गाता हूं, मैं अपना साथी गाता अच्छा, आपदा अल्ताफ जी को आप जानते होंगे, बड़ी मशहूर हमारी बिल्कुल आपदा बिल्कुल, खानम, आपदा जी की क्या बात है। और वो कह रही है वाजी वाह, खूबसूरत गाना, और देखें आपको माशाल्लाह कितने लोग पसंद करते हैं। अच्छा, हमारे पास टाइम कम रह गया है, मैं सुनने वालों से कहूंगा अगर अपनी कोई फरमाइश वो मतलब करना चाहे मसरूर भाई से, हमारे पास आज मौका है बेहतरीन, हमारे साथ किश्वर अल्लाह दत्ता भाई मौजूद हैं, इमरान मौजूद हैं, तो अगर आप बेहतरीन मौका है, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट और इतने हमारे साथ जैसे कहते हैं दिग्गज वो बैठे हुए हैं, नवीद अख्तर जो है वो हमारे कीबोर्डिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि मसरूर भाई को मेरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है ना, और सईद अली इकबाल कह रहे हैं कि किश्वर भाई इज वन ऑफ माई फेवरेट बेसिस्ट, ठीक है ना। थैंक तो यू। जी, तो देखिए माशाल्लाह इतने सारे लोग हैं, जुनेद आपको बहुत वाह वाह कह रहे हैं जबरदस्त, और सारी तारीफ है जी, मैं क्या करूं, मतलब पढ़ता जाऊंगा खत्म नहीं होगा। तो हम चलते हैं अगले गाने की तरफ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी अगर आप बनी का सुना दें, वो जो बनी की कंपोजिशन, अच्छा वही साथी सुनाऊं या कोई और कंपोजिशन सुनाऊं? नहीं, बनी वाला, बनी वाला, बनी के और भी कंपोजिशन है, मतलब पूरी एल्बम है, लेकिन ये साथ दिमाग साथ दिल तोड़ कर जाएगा चाहतों का ये समा, यूं ना जाओ लौट आओ, हो क्यों जुदा प्यार मेरा, ना बुलाओ दे रहा कैसा भाई? जबरदस्त, बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा, आपके जब गाना गाते हैं ना तो मेरे ख्याल में आवाज जो है वो बहुत डिस्टॉर्ब मतलब करती है आपकी, जैसे इंटरनेट के कनेक्शन शायद ज्यादा डाटा नहीं दे इंटरनेट पाता, पे म्यूजिक चलता है। अच्छा जबरदस्त, बेहतरीन। जुनेद भाई कह रहे हैं रात कली एक ख्वाब में आई, हाँ। जुनेद जहांगीर भाई, रात के एक ख्वाब में और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आगुनी से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले इसे तू मेरी मोहब्बत दो, ला 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 ला
सॉरी वर्डिंग भूल गया हूँ, लेकिन जुनैद की फरमाइश पूरी कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। छोटी छोटी फरमाइशें हैं हमारी चल रही हैं और लोग जो है वो इतना पसंद कर रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। जिया काजी बोल रही है कि अल्लाह सेहत जिंदगी दे आपको मसरूर भाई, जो पहले आपने से पहले गाना गाया था, ये गाना याद करा, ये गाना यादों की वादी में ले गए। अच्छा जी 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 और टाइम है तो कुछ और सुनाए। एजाज भाई कह रहे हैं कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम। ओके एजाज भाई हमारे बॉस हैं और उनकी फरमाइश ठुकरा नहीं जाती। जिंदगी की सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। इजाज भाई आपकी फरमाइश पूरी हो गई, बेहतरीन जबरदस्त बहुत खूबसूरत। और टूटे 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 सुना के हम आपकी टाइम ना लें जी। जुनेद भाई कह रहे हैं थैंक यू सो मच। और जुनेद जहांगीर भाई कह रहे हैं सलाम टू किशोर भाई एंड इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम, जीते रहो भैया, खुश रहो, इंशाल्लाह आएंगे, जुनेद की तरफ भी आएंगे हम कभी। अभी मेरे ख्याल में ये गए हुए हैं किसी अपने टूर पे गए हुए हैं, क्योंकि इनसे मेरी बात हो रही थी, मेरे प्रोग्राम में आने चाह रहे थे, तो शायद किसी अफ्रीका की तरफ इनका शो है कहीं, वहां पे गए हुए। अभी इनकी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी आपके फेसबुक पे हारमोनियम के साथ, मेदी साहब का गाना, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया, बहुत खूबसूरत आवाज है और माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड आदमी है। और अच्छा ये बताएं कि इतने सारे आपने गाने गाए हैं, तकरीबन आपको याद है अगर मैं आपसे पूछूं कितने गाने आप गा चुके हैं टोटल? यार बहुत गाए मैंने, कोई 3-4 एल्बम तो सोनिक से किए हैं। अच्छा मेरा जो सोलो एल्बम ये साथी लव स्टोरी कंपोज बाय पन्नी था, बाकी मैंने फिल्मी टाइप गाने जिसे कह लें कि जिसमें एक हमारे इस्लामुद्दीन साहब थे उनकी कंपोजिशन थी, अख्तर कयूम की कंपोजिशन थी। तो एक दौर था कि जब झनकार के बीच में एक फिल्मी गाना आता था जिसे बोनस सॉन्ग कहते थे, बिल्कुल याद है। मैंने बहुत सारे गाने गाए, उसमें एक माई भागी की थीम पे गाना था कहां ये अपना टूटा दिल ले जाऊं मैं और शबाना कौसर। अच्छा, और उसको बड़ा लोगों ने पसंद किया था, फिल्म का सॉन्ग था वो। इस तरह बहुत सारे पीस, फिर मैंने नॉन एक अहमद रिजवी का नॉन स्टॉप एल्बम किया था, रिजवान जो आपके अमेरिका में होते रिजवान कट, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने सीक्वेंस किया था, रिजवान ने अहमद रिजवी का नॉन स्टॉप एक एल्बम था, उसमें मैंने शब्बीर ने और एक होती थी मेहर सीमी सिंगर वो थी, हम लोगों ने गाए थे। और किश्वर के यहाँ दो एल्बम किए कल और आज, इस तरह बहुत सारे एल्बम किए। सही है, तो मतलब काफी फिल्मी नॉन फिल्मी नॉन फिल्मी सारे एल्बम किए आपने, और बिल्कुल, बिल्कुल। सारे एल्बम को ऑलमोस्ट पजीराई मिली, लोगों ने पसंद किया माशाल्लाह, और आपका एक नाम हुआ। और आपने जो अपना, मैं आपको बताऊं नजीब कि मैं जब म्यूजिक में आया और जब मैं गाने गा रहा था, फिर मैंने निसार बज़मी साहब ज्वाइन किया, जब मैं बज़मी साहब के पास गाने गया तो कहने गए तुम मुझसे क्या सीखने आए हो, तुम्हें गाना तो आता है, लेकिन मैं उनके पास जाता था और सीखता था। और मैंने उनका एक पाक आर्मी का एक शो सॉन्ग था जो मैंने तहसीन जावेद और मोहम्मद रिशेकी हम लोगों ने मिलके गाया था, वो मेरे लिए बड़ा क्रेडिट था कि बज़मी साहब की एक कंपोजिशन एक मिली नगमा गाया हमने पाकिस्तान फौज के लिए। बहुत सारे काम किए, अब तो मुझे याद भी नहीं, अब अक्सर कहीं से आवाज आती है तो याद आता है यार ये भी गाया मैंने शायद। हाँ सही बात है, अच्छी बात है, आपको अपने गाने जो है और काफी आपको कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह मिलते होंगे आज भी जो है वो आपने देखी है। बहुत है हमारे, हाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। और देखिए मसरूर भाई, एक आर्टिस्ट के लिए जो समझ लें एक सबसे अहम चीज होती है जो उसको जिंदा रखती है मेरे ख्याल में, वो जो है वो लोगों की पजीराई है। अगर वो मिलना बंद हो जाए तो फिर आर्टिस्ट समझ लें कि वो वैसे ही बेचारा उसमें चला जाता है टेंशन में। और आपको माशाल्लाह इतनी पजीराई मिली, हमारे थोड़े में कमेंट भी लूंगा। अच्छा एजाज भाई ने एक बात बोली है, मैं इसको, मेरी भी ख्वाहिश है ये, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम दूसरे प्रोग्राम में करें किसी, और मुझसे वादा करें कि वो कह रहे हैं कि किश्वर भाई का सोलो हो जाए, तो मैं
किशोर भाई से बोलूंगा कि किसी दिन टाइम दें, मेरे प्रोग्राम में आए और आपका सोलो करते हैं, क्या कहते हैं? जी किशोर भाई, हाँ आवाज आ रही मेरी? जी, किशोर भाई से मैंने एक सवाल फिर पूछा आपकी था। आवाज चली गई। अच्छा अब आ रही है आवाज मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, जी आपकी आवाज आपकी आ रही है, आपकी आ रही है। दोबारा या तो जा, दोबारा दोबारा लॉगिन होना पड़ेगा। दोबारा जा आए? जा नशा जी, बिल्कुल। का फोन आता है, कैंसिल थोड़ी कर देता हूँ। पूरी चारा हम लोग अच्छा अपनी। जो है वो मिसबा भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और हमारे बड़े अच्छे मिसबा भाई जब भी आते हैं सपोर्ट करते हैं हमें, और बहुत खूबसूरत इंसान है बहुत। मैं तो मतलब समझने के जब भी आते हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं इनका फैन था हूँ और रहूँगा। और ये हमारे इंशाल्लाह एक सरप्राइज भी देने वाले हैं पीएमई के पेज से बहुत जल्द आप लोगों को। मैं भी इसको जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ये समझने सस्पेंस है। तो मिसबा खान जो है वो सिक्वेंसर्स के लीड वोकलिस्ट, बहुत जल्द पीएमई के पेज से एक इंशाल्लाह जबरदस्त सरप्राइज देंगे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, क्योंकि इनके अंदर टैलेंट है। ये मतलब समझ लें कि गायकी में तो खैर इनका एक अपना मुकाम है, उसके साथ साथ जो है माशाल्लाह आर्ट का भी काम करते हैं और बहुत खूबसूरत जो है वो काम होता है इनका। मैंने इतने सारी प्रमोशन कर दी तो अब उम्मीद है कि मुझे जो है कुछ ये भिजवा देंगे पैसे वैसे, इतने ज़्यादा मैंने इनकी तारीफ कर दी। और पीरजादा अंकल जो है वो हमारे देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वी वांट के बाद इन्होंने कुछ लिखा नहीं, इसके बाद बहुत कुछ लिखा जा सकता है कि क्या चाहिए इनको। माशाल्लाह से शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, लेकिन इंसान की जो है वो कहते हैं कि ख्वाहिश ऐसी है कि हर दम निकले। जिया काजी जो है वो हमें बेहतरीन, जिया काजी जाते रहिएगा ठीक है ना, और सोइएगा नहीं, आज कुछ इनसे काम है पीएमई के हवाले से। जी जी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। अच्छा इसमें जो है मैंने किशोर भाई का मैंने एक रिक्वेस्ट एजाज भाई ने बोला था, और वो मेरी भी ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा था किशोर भाई का एक जो है वो सोलो हो जाए, तो मैंने कहा इनका प्रोग्राम रखेंगे इंशाल्लाह हम सोलो और उनसे बात करेंगे हाँ इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात होती है तो बिल्कुल। हम लोग बस इंशाल्लाह किशोर भाई करेंगे। मेरे साथ मेरे पास फेसबुक पे आ गए हैं, मैं अब इनको जो है वो तंग करता रहूंगा, वो पूछता रहूंगा चलिए, बार-बार। पकड़ लेना जैसे खालिद ने मुझे पकड़ा हुआ है। माय प्लेजर बॉस। नो प्रॉब्लम। मेरे साथ अभी इस महीने में बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, शकील सिद्दीकी जो इनसे बात हुई है इंशाल्लाह वो आ रहे हैं इस महीने के एंड में इंशाल्लाह। और नहीं, आपका शो बहुत अच्छा होता है, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, और आपके साथ चाय पीते हैं लोग, हम भी पीते हैं। नहीं माशाल्लाह मोहब्बत है आप लोगों की। अली मानी भाई मेरे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने बड़ा जो है रिस्पेक्ट की और बहुत खूबसूरत जो है माशाल्लाह से प्रोग्राम है। अच्छा ये बताएं कि अभी आपदा अल्ताफ जी ने फरमाइश की थी मुझसे, उन्होंने कहा था कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना छाया। अस्थाई सुना दूंगा सिर्फ। तुमको सही बिल्कुल सुना दें। देखा तो ये ख्याल देखा तो ये ख्याल आया। ये सॉन्ग हमारे अकबर पाजी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा आपदा जी की फरमाइश मैंने पूरी कर दी। अगर आपदा जबरदस्त जी कह रही हैं कोई जगजीत का, तो एक नजम है वो मैं जी, सुना देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बात लिख निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी।
लोक पे बज उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान मसरूर भाई की मेरे ख्याल में कनेक्शन में कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा इंटरनेट। हाँ नहीं, मुझे लग रहा है आपका थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा मैं जल्दी से आपका आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपकी? मेरी आ रही है, मेरी आ रही है आवाज। टाइम है या एंड हो चुका है हमारा? एंड जी खत्म। अच्छा तो हमारी तरफ से सबको खुदा सबको सलाम और थैंक यू। जितने दोस्त सुन रहे हैं देख रहे हैं आई लव यू, और आप लोगों ने मुझे याद किया, और मैं किश्वर अल्लाह दत्ता का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इमरान का, कि उन्होंने मेरी एक कॉल पे कहा ओके, और हमने जैसे तैसे, कोई रिहर्सल नहीं थी, कुछ नहीं था, आपकी खातिर नजीब के साथ लिए शो में हम हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कभी बुलाएंगे, हम फिर आएंगे, कुछ नए गीतों के साथ आएंगे, कुछ पुराने गीतों के साथ आएंगे, आपकी फरमाइशें होंगी। सबको हमारा सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी आप लोगों ने देखा यहाँ पे इस वक्त मसरूर भाई थे और मसरूर भाई से बात हुई। हो गया। हेलो जी, मसरूर भाई से बात हुई। और नाजरीन आपको शो कैसा लगा आज का बताइएगा। इस शो में जो है वो हमने कोशिश की आपको कि पूरी तरह से हम एक मसरूर भाई की खूबसूरत आवाज आप तक पहुंचाए। कुछ इंटरनेट का मसला, कुछ जो थे वो लाइट का मसला, तो ये चीजें चलती रहीं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश कि हमने जो है वो अपना वादा पूरा किया, आपसे मुलाकात करवाई मसरूर भाई की, और इसी तरह हम आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे तमाम नए नए आर्टिस्ट और पुराने सीनियर जूनियर सबसे। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस हमारे पास अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो हैं वो उस वक्त लाइनअप हैं, और हर हफ्ते ये प्रोग्राम अब शुरू हो गया है नजीब विद चाय विद नजीब, अपने पूरी जो है वो आबो ताब के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिर्द नवा का, अपने आसपास का अपना ख्याल रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि गरीबों की और जो मुस्तहकीन है उनकी मदद किया करें और अच्छा काम किया करें, और दिल में बोझ और कीना ना रखा करें, सबको माफ़ करने की आदत डालें। यकीन करें बहुत छोटी ज़िंदगी है, इसी दुनिया में हमने जो है वो अपना अच्छा कर्म कमाएंगे तो आगे हमें अच्छी चीज़ मिलेगी। तो इसी मैसेज के साथ मैं आप लोगों से खुदाफिज़ चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए आर्टिस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।